जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूँ। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन, ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है? क्या पूर्ण बहुमत नहीं, यही कहा पूर्ण बहुमत मिलेगा, यानी पूर्ण बहुमत से भी आगे निकल जाएगी। राजस्थान की बात कर रहे थे या मध्य प्रदेश की? वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान का जो हम वोट प्रतिशत दिखा रहे हैं, जो अभी तक वोटों की गिनती हुई है उसके मुताबिक शिवानंद तिवारी जी 43% वोट प्रतिशत पे कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन सीटों में कहीं पीछे दिखाई दे रही है। वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की कुछ सीटों के काउंट आ रहे हैं। जी जी, और उस वोट आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो डेटा कमीशन है उसका एनालिसिस बैंग ऑन राइट होता है।